से ही रहने वाले एक मेविस मिंज हैं, उनके माध्यम से हम एक टीचर सर के पास में आए हुए हैं जिन्होंने इसका उपयोग करके अपने शरीर की समस्याओं को समाप्त किया है। ज़बरदस्त रिजल्ट आया हुआ है स्टोन डॉग और इम्यूनो डॉग से। स्टोन का प्रॉब्लम जो 11 स्टोन थे उनके किडनी के ऊपरी भाग पे पेशाब नली पे, जहाँ एक तरफ 6 स्टोन और एक तरफ 5 स्टोन थे, और आज जानते हैं उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं के जुबानी कि उन्होंने किस तरह से इसका उपयोग किया, कैसा उपयोग किया, जिसकी वजह से वह स्टोन आज वो साफ हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो हम जानते हैं सर से कि सर आपका पूरा नाम क्या है। मेरा नाम दिनदयाल है सर, रहने वाला पिंपरी का हूँ, वर्तमान में सारंगढ़ में निवासरत हूँ और मैं पेशे से टीचर हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र है, मेरा स्कूल है माध्यमिक शाला बिखमपुरा जो सारंगढ़ ब्लॉक में ही है ना। जी सर, जी सर। तो सर आपको ये स्टोन की प्रॉब्लम कब से थी? आप स्टोन के प्रॉब्लम तो बहुत पहले से था सर, है ना, पर ज़्यादा दर्द ना पिछले वर्ष हुआ अप्रैल के माह में जी। तो मैं हॉस्पिटल रायगढ़ गया था तो वहाँ इलाज करवाया, वहाँ सोनोग्राफी किए तो बताए कि आपके दोनों साइड में लेफ्ट किडनी और राइट किडनी में स्टोन है ना। मैंने लेफ्ट किडनी में 6 स्टोन बता रहे हैं, जो सबसे बड़ा है वो 6 mm का है करके, और इसमें ना राइट किडनी में 5 स्टोन बता रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा स्टोन है वो 5 mm का है करके बताए जी। और वहाँ दर्द इंजेक्शन लगाए और दर्द और कम हुआ, फिर वहाँ से मैं आया घर अपना सारंगढ़, तो चलो एक बार थोड़ा सा आयुर्वेद में भी ट्राई कर लिया जाए कर के मैं थवई डॉक्टर के पास गया, तो थवई डॉक्टर सर ने मेरे को ये वाला दवाई दिया था, है ना, ये दोनों दवाई देखे, मेरा सोनोग्राफी रिपोर्ट वगैरह को देखे, yes, है ना, और ये दोनों दवाई मेरे को दिए, है ना। तब तो मैं इसका यूज किया लेकिन उस समय मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, है ना, कि इससे मेरा स्टोन ख़त्म हो रहा है, मेरे को विश्वास नहीं, और चलो लेकिन इतना महंगा में लिया हूँ करके मैं इसका यूज किया, है ना। कितने दिन? 1.5 माह यूज किया सर इसका। अच्छा। है ना, 1.5 माह यूज किया, उसके बाद मैं अपने विश्वास के लिए ना हॉस्पिटल गया और सोनोग्राफी करवाया। कहाँ में कराया? मैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल गया सर और सोनोग्राफी करवाया जी। तो वहाँ के डॉक्टर बताए कि लेफ्ट किडनी में एक स्टोन बता रहे हैं, है ना, तब मेरे को अच्छा लगा पर विश्वास नहीं हुआ, इतना मैंने ग्रीन में था, ग्रुप में था स्टोन, कैसे इतना जल्दी ख़त्म हो गया करके, है ना। फिर मैं रायगढ़ आलोक पेटिया सर के पास सोनोग्राफी कराने के और वहाँ सिटी स्कैन करवाया था जी जी। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ भी रिपोर्ट में वही बताया कि लेफ्ट किडनी में एक स्टोन है ऐसे करके, तो इस पर मुझे बहुत विश्वास हुआ और आके मैं तुरंत फिर और एक सेट खरीदा सर इसका, ये दोनों को एक एक डब्बा और एक एक डब्बा पिया हूँ, और तब से आज तक मुझे अभी दर्द वर्द का पता नहीं चला है सर। हार्ड वर्क वगैरह हो जाता है कुछ? हाँ, हो जाता है। कोई तकलीफ वगैरह? कोई तकलीफ नहीं। तो सर लगातार इसका उपयोग करें और बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो संदेश देना चाहता हूँ सर, ये जो इस क्लेस्पियस वाला जो है दवाई, है ना, मुझे बहुत अच्छा सूट किया है, है ना, तो मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि ज़रूरत पड़ने पर आप लोग भी इसका उपयोग करें, है ना, बढ़िया है जी। बिल्कुल, ये सभी साथी आप देख पाए कि हमारे सर ने जिस तरह से इसका उपयोग किया और आज पूरी तरह से स्टोन की प्रॉब्लम से क्योर हो चुके हैं। रियल में ये अमृत है और लोगों की ज़रूरत की है। इसको लगातार उन्होंने 1.5 महीना उपयोग किया था और 1.5 महीना के बाद में उनको भरोसा भी नहीं हुआ था कि मेरा स्टोन समाप्त हो जाएगा, और उन्होंने सारंगढ़ के राधा कृष्ण हॉस्पिटल में जाकर अपना सोनोग्राफी कराया। आपको सोनोग्राफी कराने के बाद में एक ही स्टोन बचना बताया, तो उनको भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। तो हमारे जो सोनोग्राफी करने वाले जो हैं आलोक केड़िया जो रायगढ़ से हैं, उनके पास में गए और जब वहाँ पे सीटी स्कैन कराया, इनको भरोसा नहीं हुआ, स्वास्थ्य के बारे में बात है, एक बार चेक करा लिया जाए, तो सर को बताया कि पूरी तरह से आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं है, किडनी एकदम स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, आप काम कर सकते हो, केवल एक छोटा सा स्टोन आपको दिखा रहा है। तब सर को और भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, फिर दोबारा उन्होंने इस प्रोडक्ट को एक एक डब्बा हमारे डॉक्टर अतुल थवैत सारंगढ़ BAMS के माध्यम से पुनः एक एक डब्बा लिया और आज वो बेहतरीन तरीके से स्वस्थ और अच्छे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, सभी साथियों को नमस्कार। आप ज़रूर आप सभी
इसका उपयोग करें, एस एल पी एस वेलनेस का, और अपने लोग